हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं आप सबके लिए इफेक्टिव ट्राइड एंड टेस्टेड केमिकल फ्री ट्रीटमेंट लेके आई हूँ, जिसकी वजह से आपके घर में एक भी कॉकरोच नहीं बचेगा, यहाँ तक कि कॉकरोचेस घर में एंटर भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका कॉकरोच भगाने का जो है, उसमें मैं यूज करूंगी बोरिक एसिड का। ये 100% फुल प्रूफ रेसिपी है एंड देयर इज नो वे कि इसको यूज करने के बाद आपके घर में एक भी कॉकरोच बचे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, स्पेशली मेडिकल स्टोर्स पे, नहीं तो आप ऑनलाइन इसे अमेज़न वगैरह से भी खरीद सकते हैं। ये इस तरीके से सफेद पाउडर सा होता है। ऑनलाइन खरीदने के बजाय अगर आप इसको अपनी लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो ये काफी चीप पड़ता है। इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा, पिसी हुई चीनी और बोरिक एसिड। ये तीनों ही चीजें लगभग लगभग आप इक्वल क्वांटिटीज में ले लीजिए और मिक्स कर लीजिए। इसके बाद एक एक चम्मच करके पानी डालिए और इसका एक आटा सा बना लीजिए। बेसिकली जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंथते हैं, उस तरीके से हमें इसे बहुत ज्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ इतना पानी मिलाना है कि सारा आटा एक साथ आ जाए और एक आटे जैसा दो जैसा फॉर्म ले ले, क्योंकि हमें इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। बोरिक एसिड इंसेक्टिसाइड है, कॉकरोचेस के लिए ये पॉइजन का काम करता है। तो जैसे ही कॉकरोच इन गोलियों को खाएंगे, पिसी हुई चीनी की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा आटा ही अपने मुंह में डालेंगे और इवेंचुअली मर जाएंगे। ये बिल्कुल फुल प्रूफ नो फेल मेथड है और कॉकरोचेस आपके घर से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं बचेगा घर पे। आपको ये वाली गोलियां घर में जगह जगह पे डाल देनी है। बस ख्याल इस चीज का रखना है कि आपको वहां वहां डालनी है जहां पे बच्चे इन्हें लेके अपने मुंह में ना डाल लें। स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको आदत होती है कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक होगा, खतरनाक होगा। तो बच्चों से इन गोलियों को दूर रखिएगा। उसके अलावा आप इसको जगह जगह पे रख सकते हैं, अपने लिविंग रूम में, कबर्ड्स के अंदर, हर एक कोने में जहाँ पे आपको ज्यादा कॉकरोच नजर आते हैं, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ आपकी दीवारों में गैप्स हैं या जहाँ से भी कबर्ड्स के अंदर गैप्स हैं और आपको लगता है कि वहाँ से कॉकरोचेस बहुत ज्यादा निकलते हैं, उन हर जगहों पे आप इस गोली को रख सकते हैं। जो दूसरा तरीका है कॉकरोच भगाने का, उसमें हमें दो चीजें लगेंगी, बेकिंग सोडा और पिसी हुई चीनी। ये वाला नुस्खा भी श्योर शॉट है। आपको दोनों ही चीजें यानी कि बेकिंग सोडा और पिसी हुई चीनी इक्वल मात्रा में लेनी है और मिक्स कर लेना है दोनों ही चीजों को, और बस इसको जगह जगह पे हमें डाल देना है। ये स्पेशली मेथड बहुत अच्छा है अगर आपके घर में कॉकरोच भरे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रात में हम किचन की लाइट जलाते हैं और देखते हैं हर जगह कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हैं, तो आप ये नुस्खा ऐसे में आजमा सकते हैं। छन्नी में ये इक्वल क्वांटिटी ऑफ बेकिंग सोडा एंड पाउडर शुगर ले लीजिए और इसे जगह जगह इस तरीके से छन्नी की मदद से डाल दीजिए और इसको ऐसे ही रात भर छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा कॉकरोच है ना, तो ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि रात में जब लाइट्स बंद होंगी और उसके बाद कॉकरोच बाहर निकलेंगे तो वो ये खा के मर जाएंगे। पाउडर्ड शुगर की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं और बेकिंग सोडा की वजह से वो मर जाते हैं। तो दिस इज अनदर मेथड जो कि बहुत इफेक्टिव है। अपने अप्लायंसेस को भी कोने कोने से हटा के इवन गैस के नीचे या गैस के ऊपर भी स्प्रिंकल कीजिए इस पाउडर को। ये बहुत इफेक्टिव है और जैसे ही कॉकरोचेस इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे वो तुरंत ही मर जाएंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको मरे हुए कॉकरोचेस जगह जगह पे नजर आएंगे। बहुत ज्यादा कॉकरोचेस हैं घर पे तो इस मेथड को आजमाइए और कुछ दिन लगातार इसको हर रात कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है और कुछ ही दिनों में सारे कॉकरोच आपके घर से मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तीसरे मेथड में हम यूज करेंगे तेज पत्ते का यानी कि बे लीव्स। ये सबके घर में हर इंडियन किचन में आपको मिलेगा। ये हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता है लेकिन कॉकरोचेस के लिए ये बिल्कुल स्वाद में अच्छा नहीं होता है। आप तेज पत्ते की जगह नीम लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्ते या तेज पत्ते दोनों की ही पंजन स्मेल से कॉकरोचेस भाग जाते हैं।
तो इस मेथड के लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है गर्म पानी, उसे अच्छे से उबाल लेना है। उबलते हुए पानी में हम डालेंगे कुछ तेज पत्ते, लगभग आधा लीटर पानी में आप 4-5 तेज पत्ते डाल सकते हैं। इसको अच्छे से 10 मिनट तक बॉईल होने दीजिए। बे लीव्स का सारा जो तत्व है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो इस पानी में चली जाएगी। उसके बाद आप गैस कर दीजिए बंद और इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो जाने पे ये तेज पत्ता पानी से निकाल लीजिए और इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में ले लीजिए। इस पानी को एज अ स्प्रे हम यूज करेंगे और इसकी खुशबू से या इसको पीने से कॉकरोचेस मरेंगे नहीं, लेकिन भाग जाएंगे। अपार्टमेंट्स में अगर आप रहते हैं तो अक्सर आप ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि अगर आपने पेस्ट कंट्रोल करवाया भी है, फिर भी कॉकरोचेस बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में वापस नजर आने लग जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि आसपास के अपार्टमेंट से, नालियों से और पाइप्स से कॉकरोचेस दूसरे घरों से हमारे घर में आ जाते हैं। स्पेशली जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है कॉकरोचेस को अपने घर से भगाने का। स्प्रे करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जिन जिन जगहों पे आपका हाथ नहीं पहुंचता है, जैसे कि इस वाटर प्यूरिफायर के पीछे, आप इस स्प्रे को आराम से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डली है, कोई भी केमिकल नहीं है जो कि नुकसानदायक हो या फिर खतरनाक हो। इवन सिंक एरिया में, सिंक के अंदर, सिंक के आसपास, इवन नाली के अंदर इसको आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ किचन का सिंक ही नहीं, बाथरूम के जो सिंक्स या नालियां होती हैं, वहां पे भी आप इन्हें स्प्रे कर सकते हैं। कॉमन बेसिन यूनिट अगर आपके घर पे कोई है, वहां पे भी इसे स्प्रे आप आराम से कर सकते हैं। ये स्प्रे काफी इफेक्टिव है टू कीप द कॉकरोचेस अवे। बेसिकली घर के किसी भी कोने में जहाँ पे आपको कॉकरोचेस नजर आते हैं, वहाँ पे आप ये स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए पोंछ सकते हैं। किचन में आप रात भर भी इस स्प्रे को छोड़ सकते हैं करके और सुबह वाइप कर लीजिए। वरना घर के किसी और कोने में आप चाहें तो थोड़ी देर इस स्प्रे को करके छोड़ दीजिए और एक नॉर्मल डस्टर से बाद में इसको वाइप कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप चीज़ों को हटा हटा के नीचे, ऊपर, किनारों में हर जगह ये स्प्रे यूज़ करें, क्योंकि अक्सर कॉकरोचेस कोनों से ही निकलते हैं और कोनों में ही ज़्यादातर ब्रीड करते हैं। सो कोने साफ करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को हटा हटा के पीछे स्प्रे कीजिए और बाद में वाइप भी कर सकते हैं या रात भर इस स्प्रे को छोड़ सकते हैं। इस मेथड से एग्जिस्टिंग कॉकरोचेस बहुत आसानी से भाग जाते हैं, लेकिन इस मेथड का एक और बहुत फ़ायदा है कि नए कॉकरोचेस आपके घर में ब्रीड नहीं करेंगे, पैदा नहीं होंगे। नेक्स्ट मेथड में भी मैं तेज पत्ते का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस बार हम इसको पाउडर करेंगे। ये पाउडर आसानी से हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। हल्के से रोस्ट हो जाएंगे ना ये, तो इनको पाउडर करना आसान हो जाता है। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद आप या तो इसको खलबट्टे में ले लीजिए और इसको हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। उसके बाद अपना मोटर एंड पेसल यूज़ करके इसे ग्राइंड कर लीजिए। जितना भी आप आसानी से इसको ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं, उतना पाउडर इसे कर लीजिए। अगर आपको खलबट्टा नहीं यूज़ करना है तो सबसे आसान तरीका है मिक्सी का जार यूज़ कर लीजिए। मिक्सी में इसे लेके ग्राइंड कर लीजिए तो भी इसका आराम से पाउडर बन जाएगा। बहुत फाइन पाउडर तो नहीं बना है ये, इस तरीके से दरदरा है, बट दिस विल जस्ट डू द जॉब राइट। इस पाउडर को आप जगह जगह पे डाल दीजिए जहाँ पे आपको बहुत कॉकरोचेस नजर आते हैं। घर के कई सारे कोनों में क्रैक्स होते हैं, गैप्स होते हैं फर्नीचर के या टाइल्स के बीच में। इन गैप्स या क्रैक्स में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं और ब्रीड भी करते हैं। ये पाउडर इन जगहों पे आप आसानी से डाल सकते हैं और कॉकरोचेस को भगा सकते हैं। कबर्ड्स के अंदर भी आप इस पाउडर को डाल के छोड़ सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव और केमिकल फ्री मेथड है कॉकरोचेस को भगाने का। नेक्स्ट मेथड में हम यूज करेंगे विनेगर का। आप सिंपल प्लेन वाइट विनेगर या फिर एप्पल साइडर विनेगर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक जिस तरीके से हमने तेज पत्ते का पानी बना के यूज किया था, उसी तरीके से हम विनेगर यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्टली इस विनेगर को स्प्रे बॉटल में लेके यूज करना है। जैसे हमने बेलीफ का पानी हर जगह स्प्रे किया था, उसी तरीके से आप ये विनेगर
डायरेक्टली हर जगह पे स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से नए कॉकरोचेस ब्रीड नहीं होंगे आपके घर पे। कॉकरोचेस को सिर्फ मारना जरूरी नहीं है, हमें ये भी ध्यान देना होता है कि नए कॉकरोचेस ना पैदा हों, क्योंकि अगर नए कॉकरोचेस पैदा होते रहेंगे तो कोई फायदा ही नहीं, कॉकरोचेस का अंत ही नहीं होगा घर में। सिंक एरिया में स्पेशली इस सॉल्यूशन को आप जरूर स्प्रे कीजिए, क्योंकि यहीं से नए कॉकरोचेस घरों के अंदर आते हैं। सिंक एरिया, वॉश बेसिन, इन सब जगहों पे आप इस स्प्रे को यूज कीजिए, स्पेशली एजेस पे, जहां पे भी आपको क्रैक्स या गैप्स नजर आए, ऐसी जगहों पे आप ये सॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली स्प्रे कीजिए। आप हमेशा ये सॉल्यूशन अपने स्प्रे बॉटल में हैंडी रख सकते हैं। बाथरूम की नालियां, यहाँ पे भी स्प्रे करना जरूरी है। ऐसा करने से नए कॉकरोचेस पैदा भी नहीं होंगे और कहीं और से आएंगे भी नहीं हमारे घर में। आजकल सबके घरों में जनरली मॉड्यूलर किचन ही रहती है, और मॉड्यूलर किचन के इस सेक्शन में, मतलब कि कटलरी सेक्शन में, जनरली आप देखेंगे कॉकरोचेस को चलते हुए। ये बहुत कॉमन है, मेरे घर में भी पहले ऐसा हुआ करता था। टू गेट रिड ऑफ द कॉकरोचेस स्पेशली फ्रॉम दिस सेक्शन, आप सबसे पहले अपना ये कैबिनेट खाली कर लीजिए और इस विनेगर सॉल्यूशन को इसमें स्प्रे कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। स्प्रे करने के बाद इसे चाहे तो आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, उसके बाद एक रेगुलर क्लॉथ से या डस्टर से इसे वाइप कर लीजिए। दिस विल एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड पेस्ट किलर ऑल्सो। ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिव है और आपको एक कॉकरोच या कॉकरोच का बच्चा नजर नहीं आएगा। वाइप कर लेने के बाद वापस से सारा सामान कैबिनेट में अरेंज कर लीजिए। ये सभी मेथड्स मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। अगर आप ये सभी मेथड्स फॉलो करेंगे और जो मैं आगे बता रही हूँ वो भी फॉलो करेंगे, तो आपको कभी भी बाजार से भी पेस्ट कंट्रोल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेथड सफिशिएंट है कॉकरोचेस को बाहर निकालने के लिए, मारने के लिए, और कभी भी वो आपके घर में नजर नहीं आएंगे। विनेगर के सॉल्यूशन से पोंछ लेने के बाद, सारा सामान वापस अरेंज कर लेने के बाद, आपको इस कैबिनेट में छोड़ देने हैं कुछ तेज पत्ते रैंडमली इधर उधर। इन तेज पत्तों को आप इसी कैबिनेट में पड़े रहन दीजिए, इन्हें हटाना नहीं है। कॉकरोचेस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि तेज पत्ते की स्मेल उन्हें पसंद नहीं है। एक और बहुत इफेक्टिव मेथड टू किल कॉकरोचेस इज यूजिंग नेप्थलीन बॉल्स या फिर मॉथ बॉल्स। ये बॉल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनको आप अपने सिंक एरिया, वॉश बेसिन एरिया में एक ऐसे ही डाल के छोड़ दीजिए। ये डायरेक्टली कॉकरोचेस के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती हैं और उनके लिए ब्रीदिंग इशू हो जाता है और वो मर जाते हैं तुरंत ही। अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर, इन नेप्थलीन बॉल्स को बच्चों से दूर रखिएगा, स्पेशली छोटे बच्चे। आप अगर अपने किचन में डस्टबिन्स रखते हैं, किचन का वेस्ट वहीं पे डिस्पोज करते हैं, तो ये डस्टबिन्स रात को क्लियर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किचन का वेट वेस्ट किचन से हटा के प्रॉपर जगह पे डिस्पोज कर दें। इस वेस्ट को रात भर किचन में ना रखें। ऐसा करने से नए कॉकरोचेस ब्रीड नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले कॉकरोचेस गंदगी में ही ब्रीड करते हैं, तो इस गंदगी को घर से हटाना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी एग्जिस्टिंग कॉकरोचेस हैं, अगर उन्होंने इधर उधर अंडे दे रखे हैं तो नए कॉकरोचेस पैदा होंगे ही। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, एक बहुत इफेक्टिव मेथड है कि आप एकदम खौलता हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करें और उसे सिंक की नालियों में जरूर डालें, जहाँ से ना कॉकरोचेस आएंगे और एग्जिस्टिंग जो भी अंडे हैं वो मर जाएंगे। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे पानी वेस्ट कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम यूटिलाइजिंग दिस वाटर ताकि गंदगी हमारे घर में ना आए, हाइजीन मेंटेन रहे। मेक श्योर कहीं पे भी कोई चीज गिरी ना हो, हर समय हर जगह साफ हो। आई होप ये सभी मेथड्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये बहुत इफेक्टिव है, मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, तो एक बार इन्हें ट्राई करके जरूर देखिएगा, तभी आपको इनका असर नजर आएगा।